ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत से हम लोग पाठ कर रहे हैं हम श्रृंखला में अगर आपको आवाज नहीं आ रही होगी तो आप चाहे तो सर इलाके मुझे बता देना जस्ट केस है ना पावनी ज्योति माता जी अभी ठीक है ना आवाज तो वैसे है ना ओके okay. ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत से हम लोग पाठ कर रहे हैं और नवासी श्लोक से आज हमें चर्चा करनी है तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था ये सब बहुत ही गूढ़ रहस्य है जो कि जो हम पढ़ रहे हैं तो इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे मई भक्ति भूता नाम अमृतत्वाय कल्पते दृष्टिया दासी स्नेहो भवती नाम मदापना अच्छा यहीं तक हमने पढ़ा था शायद है ना भगवान क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा मेरी कृपा प्राप्त करने का साधन मेरी मई सेवा है और सौभाग्य से तुम सब उसी में लगी हुई हो जो जीव मेरी सेवा करते हैं वे वैकुंठ जाने और ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण शाश्वत जीवन प्राप्त करने के पात्र हैं श्रीमद भागवत के इस श्लोक दस बयासी चौवालीस में मानव जीवन की पूर्ति का सार दिया गया है। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं भक्ति तथा अमृत तत्व। मानव जीवन का उद्देश्य शाश्वत जीवन का प्राकृतिक पद प्राप्त करना है यह शाश्वत जीवन एकमात्र भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तो ये जो श्रृंखला है ये चल रही है कि आ, ला जो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में रामानंद राय ये कह रहे हैं कि आप क्यों ना क्या सबसे श्रेष्ठ है इसके बारे में बताते जा रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु उसको एय तो बाहिया एय तो बाहिया ऐसा कहते जा रहे हैं तो भगवान ने जो भी जिसको भी नकारा उसके आगे उसके ऊंचा सिद्धांत दिया जा रहा है तो माधुर्य प्रेम तक हम पहुंच चुके हैं भगवान कृष्ण सदा सदा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा की है जो कोई कृष्ण की जितनी सेवा करता है वे उसे भगवत भक्ति में उतनी ही सफलता प्रदान करते हैं यह सोचना बहुत बड़ी भूल होगी कि कोई किसी भी रूप में या किसी भी प्रकार से कृष्ण की पूजा कर सकता है और फिर भी उनकी कृपा रूपी फल प्राप्त कर सकता है ऐसा निर्णय निपट भौतिकतावादी व्यक्तियों का है ऐसे लोग सामान्यतः यह कहते हैं कि भगवान की पूजा की आप अपनी नई विधि बना सकते हैं और किसी भी तरह से पूजा से भगवान कुछ लोग वीडियो ऑन कर लीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए तो कम से कम ये पता चलता रहेगा कि इंटरनेट तो चल रहा है चीजें चल रही हैं कम से कम है। ऐसा निर्णय निपट भौतिकतावादी व्यक्तियों का है ऐसे लोग सामान्यतः यह कहते हैं कि भगवान की पूजा की आप अपनी नई विधि बना सकते हैं और किसी भी तरह की पूजा से भगवान तक पहुंचा जा सकता है यह सत्य है कि कर्म ज्ञान योग तथा तपस्या द्वारा विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए पृथक-पृथक विधियां हैं इसीलिए भौतिकतावादी लोग कहते हैं अच्छा तो ये आप में से कोई ये बता सकता है कि इन सब का क्या फल होता है कर्म ज्ञान योग और तपस्या इनका क्या फल होता है कर्म करें तो क्या मिलता है कोई हैंड रेज करके बता सकते हैं कर्म के राह पे क्या मिलता है आगे चलकर बस चलो पावनी ज्योति माता जी हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जैसा कर्म उसके अनुसार उसे अगले जन्म ऐसा शरीर प्राप्त होता है या ऐसी योनि प्राप्त होती है अच्छा ठीक है आपने प्रयास किया ठीक है लेकिन यहां पर जो बता रहे हैं कर्म मार्ग बता रहे हैं ना नहीं चलो मैं आपको ये बताता हूं सब अलग अलग मार्ग हैं। ये अलग अलग जो है क्या है मार्ग हैं। जो ये कर्म का मार्ग है ये अंत में क्या होता है ये क्या देता है स्वर्ग देता है और मतलब सकाम कर्म के करके कोई उच्च लोक प्राप्त होते हैं कर्म का मार्ग ज्ञान के मार्ग से व्यक्ति ब्रह्म ज्योति को जाता है और योग भी इसी तरह से योग मतलब अष्टांग योग इत्यादि पद्धति से भी व्यक्ति जो है भगवान पे ही ध्यान करता है और निराकार की उपासना करता है तो वो भी ब्रह्म ज्योति है ज्योति तक जाता है ज्ञान तपस्या तो ये भी क्या है ये भी ब्रह्म ज्योति ही जाता है निर्विशेषवादी तो, तो कर्मवादी भक्ति योगी कहां तक जाता है भक्ति वाला ये भगवान के धाम जाता है ठीक है ठीक है तो इस तरह से जो है ये आ, आगे हम पढ़ते हैं इसलिए भौतिकतावादी लोग कहते हैं कि इनमें से चाहे जिस विधि को अपना लिया जाए भगवान की कृपा तो प्राप्त होगी ही उनका दावा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस प्रकार की विधि अपनाता है इस संबंध में एक सामान्य उदाहरण दिया जाता है यदि कोई किसी निश्चित स्थान को जाना चाहता है तो वहां जाने के अनेक मार्ग होते हैं और इनमें से किसी भी एक मार्ग से वहां जा, वहां तक पहुंचा जा सकता है इसी तरह ये निपट भौतिकतावादी भी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करने की विभिन्न विधियां हैं उनका कहना है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कल्पना दुर्गा काली शिवजी गणेश जी राम कृष्ण निर्विशेष ब्रह्म या अन्य कुछ भी रूप में की जा सकती है और जो जिस भी तरह और जिस भी रूप में चाहे भगवान नाम का कीर्तन किया जा सकता है ऐसे भौतिकतावादियों का दावा है कि चूंकि सभी नाम तथा रूप एक है अतः इससे फल एक सा मिलता है यह भी वे यह भी उदाहरण देते हैं कि जिस मनुष्य के कई नाम हो वह किसी भी एक नाम को पुकारे जाने पर उत्तर देगा इसलिए उनका कहना है कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं यदि कोई काली दुर्गा या शिव या गणेश या अन्य किसी का नाम जब करता है तो परिणाम एक सा होता है ऐसे दावे मानसिक तर्क वितर्क करने वालों द्वारा किए जाते हैं और उनके लिए ये निसंदेह सुहावने होते हैं किंतु वो वास्तविक ज्ञानी है वे ऐसे निष्कर्षों को स्वीकार नहीं करते क्योंकि ये निष्कर्ष शास्त्रों के विरुद्ध है कम से कम प्रामाणिक आचार्य ऐसे निष्कर्ष तो नहीं को तो नहीं स्वीकार करेंगे कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है या देवव्रता देवान पितृन या पितृवता भूतान याद्या जी नोपिमा जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाएंगे जो भूत प्रेत की पूजते हैं वो भूत प्रेतों के बीच जन्म उत्पन्न होंगे और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास आएंगे भगवत धाम में केवल भक्तों को प्रवेश करने दिया जाता है देवताओं को, के पूजकों कर्मियों योगियों या अन्यों को नहीं जो व्यक्ति स्वर्गीय ग्रहों में जाना चाहता है वो अनेक देवताओं की पूजा करता है और भौतिक प्रकृति प्रसन्न होकर ऐसे भक्तों को वांछित पद प्रदान करती है भौतिक प्रकृति हर व्यक्ति को अपना स्वभाव प्रदान करती है जिससे वह विविध देवताओं के प्रति श्रद्धा को बढ़ाता है भगवदगीता में सात बीस में कहा गया है कि देवताओं पूजा उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है काम इसते हित ज्ञानी अन्य देवता तम तम नियम आस्था प्रकृतिया नियता स्वया जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुकी है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा की विधियों का पालन करते हैं कोई भले ही स्वर्ग लोग क्यों न चला जाए किंतु ऐसे वर के परिणाम सीमित होते हैं अंतवत्म तल्प मेधसाम देवान्य या देव यजो यान्ति यान्ति वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित तथा नश्वर होते हैं जो लोग देवताओं को पूजते हैं वे देवताओं के ग्रहों को जाते हैं किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम पहुंचते हैं स्वर्ग लोग या किसी अन्य भौतिक लोग पहुंचने का अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान तथा आनंद से युक्त शाश्वत जीवन की प्राप्ति हो गई है भौतिक जगत का आनंद होने पर ये सारी भौतिक उपलब्धियां भी समाप्त हो जाएंगी गीता अठारह पचपन में कृष्ण के कहने के अनुसार जो लोग कृष्ण की प्रेमा भक्ति में रथ होते हैं वे ही वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकते हैं और भगवान के पास जा सकते हैं अन्य लोग नहीं भक्त्या माम अभिजान आती यावन में तत्वतः तो माम तत्व तो ज्ञातवा विषय तदनंतर केवल भक्ति द्वारा मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथारूप में समझा सकता है जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मुझे पूरी तरह जान लेता है तभी वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है क्योंकि निर्विशेषवादी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते अतएव उनके लिए भगवान के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाना भगवान के पास वापस जा पाना संभव नहीं वास्तव में विभिन्न साधनों से भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं ऐसा नहीं है कि सारी उपलब्धियां एक जैसी हों तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कई बार ये बोला जाता है कि किसी भी तरह से पूजा करो कुछ भी करो वो तो एक ही है चाहे देवताओं की पूजा करो चाहे जो भी करो सब तो एक ही है जो लोग लेकिन यहां पर भगवान इसको अनुमोदित प्रभुपाद अनुमोदित नहीं कर रहे जो लोग धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में रुचि रखते हैं उनकी तुलना भगवान की अनन्य भक्ति में रुचि रखने वालों से नहीं किया जा सकती इसीलिए श्रीमद भागवत में कहा गया धर्म प्रोजित कैतरू अत्र परमो सराणाम सता वेद्यम वास्तवत्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम श्रीमदभागवते महामुनिकम वापरश्वर सद्यो हृदय अवृद्य ते अति शुश्रुषु भौतिक स्वार्थों से युक्त सारे धार्मिक कृत्यों का बहिष्कार करते हुए यह भागवत पुराण सर्वोच्च सत्य की स्थापना करता है शुद्ध हृदय वालों वाले भक्तों की समझ में आने वाला है यह सर्वोच्च सत्य सभी जीवों के कल्याण के लिए वास्तविक सत्य को मोह से अलग करता है ऐसा सत्य तीनों कष्टों का समूल नाश करता है महामुनि देव द्वारा संकलित यह सुंदर भागवत अपने आप में भगवत साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है जो ही कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है त्यों ही वह भगवान के प्रति अनुरक्त हो जाता है तो किस तरह से विनीत भाव से और ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा मुक्ति की इच्छा रखने वाले निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करते हैं इसी उद्देश्य से वे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं किंतु तो इसे धोखेबाजी मानता है ऐसे लोग स्वप्न में भी भगवत धाम वापस जाने की बात नहीं सोच सकते धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के उद्देश्य और भक्ति के उद्देश्य में बहुत अंतर है देवी दुर्गा भौतिक तत्वों से बने इस भौतिक जगत की अध्यक्षा हैं, सारे देवता विविध निर्देशक हैं जो भौतिक कार्यकलापों के के विभागों के संचालन में लगे हुए हैं और वे भी उसी भौतिक शक्ति के अधीन है किंतु कृष्ण की अंतरंगा शक्तियों को इस विराट जगत की सृष्टि से कुछ भी लेना देना नहीं रहता आध्यात्मिक जगत तथा सारे आध्यात्मिक कार्यकलाप अंतरंगा शक्ति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति के निर्देशन में रहते हैं और ऐसे कार्यकलाप योग माया अर्थात आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं यह योग माया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति है जो लोग आध्यात्मिक जगत में उन्नति प्राप्त करने में रुचि रखते हैं और भगवान की सेवा में लगे रहना चाहते हैं उन्हें योग माया के अधीन आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होती है जो लोग भौतिक उन्नति चाहते हैं वे इंद्रिय तृप्ति का विकास करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान तथा

गोपियों ने कात्यायनी योग माया की पूजा कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए की थी इसके विपरीत सप्तशती तो में उल्लेख है अभी दुर्गा सप्तशती तो एक ग्रंथ है उसमें उल्लेख है कि सुरथ नाम एक क्षत्रिय राजा तथा समाधि नामक एक धनी वैश्य ने दुर्गा के रूप में भौतिक प्रकृति की पूजा की थी जिससे उन्हें भौतिक सिद्धि प्राप्त हो सकी जो कोई योग माया तथा महामाया को एक समझते हुए दोनों की पूजा की खिचड़ी बनाने का प्रयास करते हैं वह बुद्धिमानी का परिचय तो जो गोपियों ने जिनकी पूजा की थी वो थी योग माया। वो देवी दुर्गा देवी की पूजा नहीं की थी योग माया की पूजा की थी और सप्तशती दुर्गा सप्तशती में जो लिखा हुआ है सुरत का नाम के राजा और दूसरा कौन है समाधि नाम के राजा ये राम के जो धनी वैश्य दुर्गा की पूजा की थी और उससे उन्हें भौतिक चीजें प्राप्त हुई थी जो कोई योग था, माया तथा महामाया को एक समझते हुए दोनों की पूजा की खिचड़ी बनाने का प्रयास करता है वह बुद्धिमानी का परिचय नहीं देता सारी वस्तुएं एक है यह सोचना एक प्रकार की मूर्खता है तो आज ये ये जो है प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि भाई सब ऑल पाथस लीड्स टू सेम गोल्ड कम बुद्धि वाले लोग ही ऐसा सोचते हैं मूर्ख तथा धूर्त ही कहेंगे कि योग माया की पूजा एक है यह निष्कर्ष मनोकल्पना की उपज मात्र है और इसमें व्यवहारिकता नहीं है भौतिक जगत में कभी कभी अत्यंत व्यर्थ की वस्तुओं को भी ऊंची उपाधि दे दी जाती है बंगाल में यह किसी अंधे बच्चे का नाम पद्म लोचन रख देना कहलाता है अंधे बालक को पद्म लोचन कहना मूर्खता होगी और ऐसा करने का कोई अर्थ नहीं होता आध्यात्मिक जगत में भगवान सदैव अपने नाम यश रूप गुण तथा लीलाओं से से अभिन्न होते हैं किंतु भौतिक जगत में ऐसी असंभव है है जहां व्यक्ति व्यक्ति का नाम स्वयं के भिन्न भिन्न होता भगवान के अनेक पवित्र नाम है परमात्मा ब्रह्मा श्रष्टा किंतु जो व्यक्ति श्रष्टा के रूप में भगवान की पूजा करता है वह पांच दिव्य रसों के अंतर्गत भक्ति तथा भगवान के संबंध को नहीं समझ सकता न ही वह कृष्ण तत्व को समझ सकता है कोई भी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मात्र निर्विशेष ब्रह्म के रूप में जानकर उनके छह ऐश्वर्यों को नहीं समझ सकता परम सत्य की निर्विशेष अनुभूति अवश्य ही दिव्य है किंतु तो इसका अर्थ यह नहीं कि इससे यह अनुभूति प्राप्त कर ली है वह भगवान के सचान स्वरूप को समझ सकता है इस तरह प्रत्येक जीव के हृदय में परम सत्य के रूप में पूर्ण विस्तार से रूप में विराजमान परमात्मा की अनुभूति भी परम सत्य के अपूर्ण जानकारी है यहाँ तक कि भगवान नारायण का भक्त भी वास्तव में कृष्ण के दिव्य आकर्षक स्वरूप को नहीं समझ सकता नारायण को भी कृष्ण को नारायण रूप में देखा तो वे उनके प्रति अधिक आकृष्ट नहीं हुए गोपियों ने कृष्ण को कभी भी रुक्मिणी रमन कहकर नहीं पुकारा वृंदावन में कृष्ण भक्त उन्हें राधा रमन नंदनंदन नंदन, नंदन, नंदन के नाम से पुकारते हैं किंतु वसुदेव नंदन या देवकी नंदन के की नाम से नहीं पुकारते यद्यपि भौतिक विचार से नारायण रुक्मिणी रमन तथा कृष्ण एक है किंतु आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के स्थान पर रुक्मिणी रमन या नारायण का नाम प्रयोग नहीं किया जाता सकता यदि कोई मुक्तावश ऐसा करता है तो भगवान के प्रति उसका रस दूषित हो जाता है और वह रसाभास कहलाता है उन्नत भक्त जिसे भगवान के दिव्य स्वरूप की अनुभूति हो चुकी है कभी भी एक नाम के स्थान पर दूसरा नाम का प्रयोग करके रसाभास की स्थिति उत्पन्न करने की भूल नहीं करता कलयुग के प्रभाव के कारण दिखावे और उदारता के नाम पर रसाभास का ही बोलबाला है शुद्ध भक्त ऐसे पागलपन की सराहना नहीं करते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः भगवत गीता भगवान कृष्ण के अनुसार जिस भाव से सभी लोग मेरी शरण में आते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल प्रदान करता हूँ हे प्रथा हर व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करता है तो यहाँ पर इस चीज को कह रहे हैं और एक मिनट ठीक तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट अभी तक यहां तक हम आज पढ़ेंगे वैसे लेकिन इसके आगे अच्छा इसके आगे लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवत दस बत्तीस बाईस में कहा गया है कि भगवान कृष्ण माधुर्य में भक्ति का तो आदान प्रदान समान अनुपात में नहीं कर पाते अतः ऐसे भक्तों के सदैव ऋणी रहते हैं न पार ये हम निरवध्य संयुजान स्वसाधु कृत्यम विबुदायुषा पिव या भजन दुर्जय गे श्रृंखला स्व संवृश्यस्तव प्रति आ जब गोपियां कृष्ण से रासलीला में उनकी अनुपस्थिति के कारण असंतुष्ट तो होकर थी तभी कृष्ण वापस आ गए और उन्होंने आ से कहा, हे गोपियों, हमारा मिलन को अनेक जन्मों में भी नहीं चुका सकूंगा क्योंकि तुम लोगों ने मुझे ढूंढने के लिए अपने पारिवारिक बंधनों को तोड़ डाला अतएव मैं ऋण चुकाने में असमर्थ हूं फलतः तुम लोग इस संबंध में किए गए अपने नेक कार्यों से संतुष्ट हो जाओ <laughs> कितना अच्छा श्लोक है मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ इसको आप देखिएगा बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है चलो इसको मैं एक इसको आप भी स्नैपशॉट ले लीजिए इसका इट अ वेरी इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट श्लोक क्या कह रहे हैं पर देखो कितना सुंदर महत्वपूर्ण तो श्लोक है जब गोपियां कृष्ण से रासलीला में उनकी अनुपस्थिति के कारण असंतुष्ट स्वीकार करता हूं कि मैं तुम के ऋण को अनेक जन्मों में भी नहीं चुका सकूंगा क्योंकि तुम लोगों ने मुझे ढूंढने के लिए अपने पारिवारिक बंधनों को तोड़ डाला है अतएव मैं ऋण चुकाने में असमर्थ हूं फलतः तुम लोग इस संबंध में किए गए अपने नेक कार्यों से ही संतुष्ट हो जाओ यद्यपि कृष्ण का अप्रतिम सौंदर्य भगवत प्रेम का सर्वोच्च है, किंतु जब वे गोपियों के संग में होते हैं तब उनका माधुर्य असीम रूप से बढ़ जाता है फलस्वरूप गोपियों के साथ कृष्ण द्वारा प्रेम का आदान प्रदान भगवत प्रेम की चरम पूर्णता है भगवान के माधुर्य रस में कृष्ण तथा उनके भक्तों में पूरी घनिष्ठता रहती है अन्य रसों में भगवान तथा भक्त इतनी पूर्णता से दिव्य आनंद का भोग नहीं करते अगले श्लोक में जो श्रीमद भागवत दस से है, इस छ की पूरी व्याख्या हो जाती है यद्यपि देवकी पुत्र भगवान समस्त सौंदर्य के आगार हैं किंतु तो जब वे गोपियों के बीच होते हैं तब वे और भी अधिक सुंदर लगते हैं क्योंकि वे सोने तथा अन्य माणिक्यों से घिरे हुए मरकट मनी जैसे लगते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया यह निश्चित ही पूर्णता की सीमा है किंतु तो आप मुझ पर कृपा करें और यदि कुछ और हो तो उसे कहें चैतन्य महाप्रभु इससे भी ऊपर पूछ रहे हैं इससे भी ऊपर क्या है रामानंद राय ने उत्तर दिया राय कहे यहाँ रागे पूछे है न जाने एत दिन नहीं जानी अच्छा भुवानी आज तक मैं इस भौतिक संसार में ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता था जो भक्ति के इस पूर्ण अवस्था के आगे क्या है इसके बारे में पूछ सके <laughs> रामानंद राय कहते हैं कहते गए गोपियों के प्रेम व्यापार में से कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी का प्रेम सर्वोपरि है निसंदेह श्रीमती राधा रानी की महिमा का बखान सभी प्रामाणिक शास्त्रों में उच्च स्तर पर हुआ है अब ये एक्चुअली विशाखा सखी हैं तो ये जानते हैं राधा रानी ही है ना ये चैतन्य महाप्रभु तो उन्हीं का भाव लेके आए तो इनको क्या प्रसन्न करेगा वो रहे हैं जिस राधा रानी श्री कृष्ण को परम प्रिय है उसी तरह उनका स्नान स्थान राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है सारी गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है और कृष्ण को अत्यंत प्रिय है यह श्लोक पद्म पुराण से लिया गया है ये भी आप स्मरण कीजिए है ना तो इसमें जो है पद्म पुराण से ये श्लोक लिया जा रहा है यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व से वैक विष्णुर अत्यंत वल्लभ क्योंकि तो वो कृष्ण को श्रीमती राधा रानी बहुत अधिक प्रिय है यह श्लोक पद्म पुराण से लिया गया में है रूप गोस्वामी कृत लघु भागवतामृत में समाविष्ट है पद्म पुराण से लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी ने इसको कोट किया है यह आदि लीला चतुर्थ अध्याय श्लोक 215 एवं मध्य लीला अष्टादश अध्याय श्लोक आठ में भी दृष्टिगत होता है इतना इंपॉर्टेंट ये श्लोक है गोपियों ने परस्पर बातें करते हुए कहा हे सखियों जिस गोपी को कृष्ण अपने साथ एकांत स्थल में ले गए हैं उसने भगवान की पूजा दूसरे सब की अपेक्षा अधिक की हो राधा नाम इस श्लोक के अनयाराधिता शब्द है नहीं अनयाराधितो नूनम भगवान हरिदेश्वर यो विहाय गोविंद प्रीतो यामन तो के राधा रानी को भगवान अकेले में लेके चले जाते हैं तो सारी गोपियां ये नहीं सोच रही कि इसको कैसे मैं नीचा दिखाऊं नहीं सोच रही चलो शायद इसने ज्यादा भक्ति की होगी हमने इतनी नहीं की इसको कृपा मिल गई हमको नहीं मिली राधा नाम इस श्लोक के शब्द से भागवत दस्त 38, बना है इसका अर्थ यह है कि उनके द्वारा भगवान की पूजा की जाती है कभी कभी श्रीमद भागवत के आलोचकों को उस ग्रंथ में राधा रानी का पवित्र नाम नहीं मिलता किंतु उस रहस्य का खुलासा यहाँ आराधित शब्द से होता है जिससे राधा नाम आया है संधेह राधा रानी का नाम प्रत्यक्ष रूप से अन्य पुराणों में मिलता है इस गोपी द्वारा की गई कृष्ण की पूजा सर्वोपरि है नाम राधा, आराधिका है। तो राधा का क्या अर्थ है राधा नाम का क्या अर्थ है सर्वोच्च आराधिका ऐसे कृष्ण नाम का अर्थ है सर्व आकर्षक वैसे ही राधा रानी का नाम का अर्थ है राधा का नाम क्या क्या अर्थ है सर्वोच्च आराधिका श्रीमती राधा रानी तो अभी हम इसको यहीं पर चलो अच्छा थोड़ा सा पढ़ लेते। इतना पढ़ने का मन करता है लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है बस दिन भर पढ़े। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा बोलते जाइए मुझे आपकी बातें सुनकर परम सुख हो रहा है क्योंकि आपके मुख से अद्वितीय अमृत की नदी बह रही है तो महाप्रभु ऐसे कहे प्रभु कहे आगे कहा सुनते अपूर्व अमृत नदी बहे तुम श्री कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य गोपियों की उपस्थिति के कारण श्रीमती राधा रानी से प्रेम का आदान प्रदान नहीं किया अन्यों पर आश्रित होने के कारण राधा तथा कृष्ण के प्रेम की प्रगाढ़ता प्रकट नहीं हो पाई इसलिए वे उन्हें चुरा ले गए अन्य गोपियों के भय से भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को एकांत स्थान में ले गए इस संबंध में कंसारीरपी इस अध्याय के श्लोक 106 में श्लोक जयदेव गोस्वामी की गीत गोविंद से उद्धृत है <coughs> <coughs> यदि भगवान कृष्ण ने राधा रानी के लिए अन्य गोपियों का साथ त्याग दिया तो हम यह समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में उनके लिए प्रगाढ़ स्नेह आनंद राय ने आगे कहा अत आप मुझसे श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा सुने तीनों लोकों में उसकी तुलना के योग्य अन्य कोई नहीं है श्रीमती ने जब देखा कि उनके साथ अन्य गोपियों जैसा व्यवहार हो रहा है तो उन्होंने चाल चली और नृत्य के मंडल को छोड़ दिया अच्छा <laughs> राधा रानी को भी ये लगता है कि मुझे कॉमन ना समझा जाए मैं स्पेशल हूं <laughs> तो राधा रानी ने क्या किया जब सबके साथ भगवान नाच रहे हैं इनके साथ भी नाच रहे हैं तो उतना स्पेशल तो नहीं हुआ ना तो इसीलिए राधा रानी ने कहा कि ठीक है आप लोग करिए डांस करो आप लोग करिएमती राधा रानी को ना पाकर कृष्ण दुखी हुए और विलाप करते हुए उनकी खोज में सारे वन में घूमने लगे कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में बसा लिया क्योंकि वे उनके साथ नृत्य करना चाहते थे इस तरह उन्होंने रास नृत्य के क्षेत्र को तथा व्रज की अन्य सुंदरियों का साथ छोड़ दिया कामदेव के बाणों से विद्ध होकर तथा तो राधा रानी के साथ किए गए दुर्व्यवहार से दुखी होकर माधव कृष्ण श्रीमती राधा रानी को यमुना नदी के किनारे किनारे खोजने लगी जब वे उन्हें नहीं खोज सके तो वे वृंदावन के कुंजों में प्रवेश करके विलाप करने लगे क्या है गीत गोविंद कभी पढ़ेंगे ये सब भी ग्रंथों को तो दोनों श्लोक जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद तीन एक से दो से लिया गया केवल इन्हीं दो श्लोकों पर विचार करने से समझा जा सकता है कि ऐसे प्रेम व्यापारों में कितना अमृत है यह तो वैसे ही है जैसे अमृत की खान का खुला को खुला छोड़ दिया जाए यद्यपि नृत्य के समय श्री कृष्ण लाखों गोपियों के बीच में थे किंतु तो भी उन्होंने अपने आप को अनेकों में से एक दिव्य रूप में श्रीमती राधा रानी की बगल में रखा यदि भी भगवान कृष्ण अपने सामान्य व्यवहार से सबके प्रति संभाव रखते हैं किंतु श्रीमती राधा रानी के कुटिल प्रेम भाव के कारण विरोधी तत्व उपस्थित हो गए तरुण युवक तथा तरुणी युवती के मध्य प्रेम के प्रति सांप की गति जैसी होती है इसके फल स्वरूप तरुण युगलों में दो प्रकार का क्रोध होता है एक तो हेतु सहित क्रोध दूसरा हेतु रहित क्रोध तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी और जयदेव गोस्वामी इत्यादि ही इस लेवल पे बात कर सकते हैं प्रेम के बारे में और कोई हम सच में कोई भी चीज को अगर करना हो तो ऋषि महात्मा ही बनना पड़ेगा उस क्षेत्र का तभी ढंग से कर पाते हैं रास नृत्य के समय प्रत्येक दो गोपियों के बीच कृष्ण का एक रूप था किंतु श्रीमती राधा रानी के बगल में केवल एक कृष्ण थे इतना होने पर भी श्रीमती राधा रानी कृष्ण से असहमति प्रकट कर रही थी यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत उज्जवल नीनमणि श्रृंगार भेद कथन एक सौ दो से अब देखो राधा रानी को फिर भी यह लग रहा है कि सबके साथ नाच रहे तो मेरे साथ भी नाच तो इतना स्पेशल क्या है फिर क्या जब श्रीमती राधा रानी बुरा मान गई और क्रुद्ध होकर रास नृत्य से चली गई तो उन्होंने यह न उन्हें न देखकर श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुल हो उठे रास लीला मंडल में भगवान कृष्ण की इच्छा सम्यक रूप से पूर्ण पूर्ण हुई पून है किंतु उस इच्छा को बांधने वाली कड़ी श्रीमती राधा रानी है श्रीमती राधा रानी के बिना कृष्ण के हृदय में रास नृत्य में आनंद नहीं रहता अतः उन्होंने भी रास नृत्य मंडल को छोड़ दिया और वे राधा की खोज में निकल गए जब कृष्ण श्रीमती राधा रानी की खोज में निकल गए तो वे इधर उधर घूमते रहे किंतु उन्हें न पाकर वे कामदेव के बाणों से खिन्न होकर विलाप करने लगे चूंकि कृष्ण की काम वासना लाखों गोपियों के बीच में भी पूरी नहीं हो सकी और इस प्रकार वे श्रीमती राधा रानी की खोज कर रहे थे अतएव हम अनुमान लगा सकते हैं कि राधा रानी में कितने दिव्य गुण थे यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा मैं जिसके लिए आपके निवास स्थान पर आया हूँ वह तत्व वस्तु अब मेरी समझ में आ चुकी है अब जाकर मैं जीवन के दिव्य लक्ष्य को उसे प्राप्त करने के विधि को समझ पाया हूं इतने पर भी मैं सोचता हूं कि अभी और कुछ बाकी है इसे पाने के लिए मेरा मन इच्छा रखता है अब इससे भी ऊपर राधा रानी से भी ऊपर क्या है इसको पूछ रहे हैं कृपया कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी के दिव्य स्वरूप का वर्णन करें इसके साथ दिव्य रस तथा भगवत प्रेम के दिव्य स्वरूप भी बतलाएं कृपा करके मुझे इन सारे तत्वों को समझा दें आपके अतिरिक्त इनको कोई और नहीं समझा सकता श्री राम राय ने उत्तर दिया मैं इसके विषय में कुछ भी नहीं जानता मैं तो वही शब्द कह पाता हूं जो आप मुझे बोलवाते हैं है ना नहीं तो ये भी बहुत कोटेड ऑफ कोटेड श्लोक है राय कहे हमी कि ना जानी तुम जी कहा बहुत ही important this is actually important ठीक मैं तो आपके द्वारा दी गई शिक्षाओं को तोते की तरह केवल दोहराता हूं आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं आपके नाटकीय को भला कौन समझ सकता है आप ने कहा, मैं तो सन्यासी और मैं यह भी नहीं जानता कि भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में क्या है क्या मैं तो केवल मायावादी दर्शन के सागर में तैरता रहता हूँ सार्वम भट्टाचार्य की संगति करने से मेरा मन निर्मल हुआ है इसलिए मैंने उनसे कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति के तत्व के विषय में पूछताछ की सार्वम भट्टाचार्य ने मुझसे कहा वास्तव में मैं भगवान भगवान कृष्ण की कथा के विषय में नहीं जानता रामानंद राय ही सब कुछ जानता है किंतु वह यहाँ उपस्थित नहीं है तो एक सौ प्यार से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे अभी मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आ, ये थोड़ा सा आप और हम हम सभी के ऊपर का ये सिद्धांत है ना राधा रानी और तो इसमें हो सकता है कि किसी को ये समझ में ना आए या फिर कोई हो सकता है कि इसको भौतिक स्त्री पुरुष का संबंध समझने लगे ठीक है तो अभी मैं प्रश्न पूछूंगा आप इसका उत्तर दीजिएगा फिर आपके प्रश्न और मेरे उत्तर मेरे उत्तर मतलब जो भी परंपरा से प्रेरणा मिलेगी तो पहला सवाल एक तरुण युवक और तरुण युवती के मध्य जो प्रेम होता है उसकी गति गति कैसी होती है और उसमें दो प्रकार के क्रोध होते हैं ये कौन से क्रोध हैं सबसे पहले तो इन दोनों के प्रेम की जो गति है वो किसके प्रकार होती है बस एक व्यक्ति पामनी ज्योति माता जी बताइए हरे कृष्णा प्रभु जी शाम की गति की जैसी होती है और दूसरे दो जो है वो एक हेतु सहित क्रोध और एक दूसरे हेतु सहित क्रोध हेतु रहित क्रोध और हेतु सहित क्रोध हेतु रहित मतलब कभी कभी प्रेमी और जो प्रेयसी होती हैं वो ऐसे भी नाराज हो जाते हैं कोई कारण नहीं होता एक दूसरे से ऐसे ही नाराज हो तो जाते आप लोग ज्यादा जानते हो मुझे तो ज्यादा पता नहीं और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हेतु होता है जैसे पति पत्नी के झगड़ के जो झगड़े होते हैं इस पर राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में दो सुख है एक सुख है नाराज पत्नी को मनाना और दूसरा सुख है तोतली बोली बच्चों की जो तोतली बोली है ये दो सुख होता है गृहस्थ आश्रम ऐसा अब महाराज बोलते हैं तो इस तरह से जो ये प्रणय में ये सुख होता है तो यहाँ पर इसी चीज को ये कह रहे हैं कि एक तो हेतु सहित क्रोध और हेतु रहित क्रोध दो तो प्रकार के क्रोध है अब लेकिन ये जो दुनिया में जो प्रेम होता है उससे श्रेष्ठ है ये फिर प्रेम की गति सर्प की गति जैसी होती है ये मुझे पता नहीं है कि कैसा क्यों होता है कि सांप के जैसी क्यों है ये मुझे नहीं मालूम है ऐसा तो जरूर है कि कोई कह सकता है कि मेरी पत्नी नागिन है लेकिन फिर ये उसके बाद सांप की गति होती है या पहले होती है ये मुझे नहीं पता है ये आगे क्या कह रहे हैं देखो कि अगला प्रश्न आपसे पूछता हूं राधा रानी को क्या अच्छा नहीं लगा जिसकी वजह से उन्होंने सारी गोपियों के बीच में नृत्य करते हुए वो छोड़ के चली गई क्या चीज अच्छी नहीं लगी राधा रानी को बस एक एक डिबोटी क्या एक चीज है जो कि राधा रानी को अच्छा नहीं लगा जिसकी वजह से राधा रानी को लगा कि मैं स्पेशल नहीं। <laughs> रामचंद्र प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम राधा रानी को सबके समान देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण दूसरे गोपियों के ये ठीक नहीं लगा ये ठीक नहीं लगा अच्छा कविता माता जी आपका क्या विचार है हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा रास नृत्य में भगवान और गोपियों के साथ दो गोपियों में एक भगवान थे और राधा रानी के साथ सिंगल भगवान होते हुए भी राधा रानी को यह अच्छा नहीं लगा कॉमन देख रहे हैं तो वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है स्पेशल दिया जा रहा है उनको ऐसा नहीं है स्पेशल नहीं दिया फिर, जा भी, फिर, जी। फिर भी सिंगल है भगवान उनके साथ लेकिन फिर भी उनको लग रहा है की और स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए तो ये हमारे लिए नहीं है राधा रानी के लिए तो है हमको तो ये सोचना चाहिए कि आई एम नॉट स्पेशल डिवोटी आई एम जस्ट वन ऑफ द डिवोटीज मैं भी भक्त हूँ एक बार एयरपोर्ट में किसी ने अनाउंस किया कि सभी भक्त इधर चले आए तो प्रभुपाद भी इधर चले आए तो उस भक्त ने कहा कि प्रभुपाद आपको नहीं कह रहे तो प्रभुपाद ने कहा कि क्यों मैं भक्त नहीं हूं क्या तो ये जो है एक कॉमन है मैं भी आई एम जस्ट अमंग देम एक्चुअली ये जो मन है ना ये मन मन ऐसा होता है जब आप स्पेशल बन जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं कहीं कॉमन होता तो और जब आप कॉमन रहोगे ना तो आपको स्पेशल बनने का मन करेगा ये ऐसे ही मन ये नचाता रहता है नहीं? जो स्पेशल बन जाता है उसको बोलता है कब ऐसा होगा कि मैं भी अब जैसे मान लो आप गौर गोपाल प्रभु बन जाओ तो अगर आप गौर गोपाल प्रभु हो ना तो अब ऐसे जाकर के किसी मंदिर में ऐसे किसी चटाई पर लेट नहीं सकते लोग फोटो खींचने आ जाते हैं <laughs> और अगर आप जो लट चटाई में लेट रहा होगा उससे पूछोगे तो कहेगा अरे हम भी कभी आगे चल के गौर गोपाल प्रभु बनते तो ठीक रहता <laughs> ऐसे ही ये दुनिया ऐसे ही है माया देवी का बस एक ही काम है दौड़ाए रहो सबको दौड़ाए रहो इनको लगना चाहिए कि कमी चल रही है <laughs> जो सास मुझे पति को लगता है पत्नी ठीक नहीं है पत्नी को लगता है पति ठीक नहीं है नौकरी करने वाले को लगता है कि ये नौकरी ठीक नहीं है मुझे दूसरी नौकरी चाहिए जो जिसके अंडर में लगता है उसको लगता है कि ऊपर वाला बेकार है ऊपर वालों को लगता है नीचे वाले सारे मक्कार हैं <laughs> और इस तरह से माया देवी ने सबकी रेस लगाई हुई है <laughs> सब भाग रहे कोई भजन नहीं कर रहा सब भाग रहे कोई ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहा ध्यान पूर्वक चेतन चेतनामृत नहीं पढ़ रहा सबका कुछ पर्पज है और सोचता है कि नेक्स्ट चीज जो पालूंगा मैंने एक बार एक डॉक्यूमेंट लिखा था कभी आपसे शेयर करूंगा वैसे इंग्लिश में लिखा था द नेक्स्ट मास्टर उसका उसका टॉपिक था नेक्स्ट मास्टर मतलब हर हर एक हरे एक व्यक्ति को ये लगता है कि अगला जो मेरा मालिक मिल, मुझे मिलेगा वो बहुत बढ़िया होगा होता नहीं है <laughs> वो उससे भी बड़ा दुर्गति होती है उसको <laughs> फिर अगला मिलता है वो और बड़ा दुर्गति होती है मतलब the next master is always worse than the previous master. लेकिन ये मेटेरियल वर्ल्ड में माया देवी भगाए रखने के लिए बड़े जो स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना इतना सुकून होगा जो नौकरी कर रहा है उससे पूछो अरे मैं स्टूडेंट होता तो कितना अच्छा रहता सब इसी तरह से भागे हुए सो इट इज अ वेरी टीडियस प्लेस इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर देखो लेकिन जो भक्तों को क्या होना चाहिए भक्तों को आ आ ये जो मेटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी मन करता है उसके उल्टे वाला जो ऑप्शन रहता है वही अक्सर शुद्ध भक्ति रहता है जो हमारा जो दूषित मन जो भी हमें कहता रहता है ना उसका जो उल्टा वाला ऑप्शन रहता है वही अक्सर शुद्ध भक्ति रहता है तो ठीक है अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूं ज्यादा प्रश्न मैंने नहीं पूछे आ, किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं ठीक है तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं Thank you so much.